करता है आयरन, वो भी हमें इन चक्करों से मिलता है। नाइट्रेट ही एक तत्व ऐसा है जो हमारी गलती से उस सोर्स में पैदा होता है, मतलब हमारा ट्यूबवेल है। हमारे ट्यूबवेल में अगर गंदा सोर्स, नाली का पानी, ड्रेनेज का पानी या कूड़ा करकट कहीं उस पानी में उस ट्यूबवेल में गया तो हमारा पानी के अंदर नाइट्रेट आ जाएगा। ट्यूबवेल में हमारे कुएं के आसपास गंदगी रही और गंदगी हमने डाल दी हमारे आस पास से, या लोग आजकल तो बहुत पूजा पाठ की सामग्री डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, उससे भी पानी दूषित हो जाता है। ये नाइट्रेट ही ऐसा तत्व है जिससे हमें मतलब रोकने के लिए हमें अवेयरनेस होना पड़ेगा। हमारे हैंडपम्प के आसपास कोई गंदगी ना करे, हमारे हैंडपम्प के आसपास कोई भी जानवरों को निलाए धुलाए नहीं, कपड़े में धोए, ये हमारा मुख्य वो रहता है। और ये तत्वों की जानकारी के साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पानी की रोकथाम के लिए हमें जो जतन करना है उसके लिए भी हम हमारे गाँव ग्रामवासियों को या पब्लिक को अवेयर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमने अवेयर नहीं किया आज, पानी को रोका नहीं, पानी को प्रदूषित होने से नहीं रोका, तो हमें आने वाले समय में, अभी कौन सर बोल रहे थे कि आने वाले समय में अभी 20 रुपये लीटर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 500 रुपये लीटर पानी भी खरीदना पड़ेगा। तो मैं आपको निश्चित मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहूँगा, आप शायद याद रखेंगे कि आने वाले 5 सालों के बाद निश्चित रूप से आपको पीने का पानी खरीदना ही पड़ेगा। आपका कोई रिमूवल वो नहीं है कि आपको नगर पालिका से मिलेगा, नल के माध्यम से मिलेगा, ये कहीं से शुद्ध पानी मिलेगा, शुद्ध पानी मिलने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रदूषण ऐसा फैल रहा है पानी के अंदर कि इस तत्व एक पानी आपने देखा हो बॉटल में, तो मुख्य रूप से क्या होता है कि हम पानी साफ पानी किससे मानते हैं कि पानी बॉटल में दिखा अच्छा साफ है, क्लीन दिख रहा है, कोई स्मेल नहीं है उसमें, बेड स्मेल नहीं है, तीसरा जीवान पे लगाया और मीठा है, मतलब पानी हमारा शुद्ध है। ये एक गांव की भाषा होती है, पानी शुद्ध होता है 3 तरह से, आँख से साफ दिखना चाहिए, इसी प्रकार की